रामनगर में करीब 4 दिन पहले घास मंडी स्थित विद्युत सब स्टेशन में लगे 10 MVA के ट्रांसफार्मर में अचानक खराबी आने के कारण शहर की बिजली आपूर्ति 3 दिन तक ठप हो गई थी, जिससे पेयजल आपूर्ति पर भी इसका भारी असर पड़ा था। बिजली आपूर्ति से आक्रोशित लोगों की विभाग के लोगों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई थी, लेकिन 3 दिन बाद विभाग की ओर से नया ट्रांसफार्मर लगाने के बाद सुचारू हुई बिजली आपूर्ति से अधिकारियों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन बुधवार की सुबह अचानक इस नए ट्रांसफार्मर पर तकनीकी कमी आने के बाद अधिकारियों की नींद उड़ गई। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है और शहर की बिजली आपूर्ति इस बार बाधित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस बार शहर को चिल्किया और पुछड़ी क्षेत्र से जोड़ दिया गया है और कंपनी की ओर से इस बार ट्रांसफार्मर का खर्चा खुद ही वहन किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से सहयोग की अपील करते हुए धैर्य बनाए रखने की बात कही है। ये ट्रांसफार्मर है, नया सेंचुरी कंपनी का ट्रांसफार्मर है। इसके इंजीनियर को हमने बुलाया तो उन्होंने कुछ इसमें डिफेक्ट बताया है मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर इसे हम चालू भी कर देंगे तो कुछ दिनों बाद कुछ दिक्कत कर सकता है, इसलिए हमने इसको सुविधा के तौर पर हमने नया मंगवा लिया उससे। अब वो नया खुद लगाएगा, अपने खर्चे पर लगाएगा, अपने पैसों से लगाएगा, जिससे कि हमारी बिजली सही रहेगी, आगे कोई दिक्कत ना पड़े। और सप्लाई हमने ये जो कुछ टाउन का पोर्शन था वो चिल्किया बिजली घर से जोड़ दिया है और कुछ पोर्शन पुछड़ी फीडर से जोड़ दिया, जिससे कि हमें सप्लाई में बाधित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केबल और केबल जब हमारा क्रेन चलेंगी उसी समय थोड़ी सी देर के लिए बंद करना पड़ेगा वो लाइन। बस ये आज रात तक की संभावना लगने की है, नहीं तो सुबह तक लगी जाएगा। आप लोगों से और यहाँ की पब्लिक से जैसे पहले भी उन्होंने साथ दिया हमारा, इस तरीके से अभी भी साथ देंगे। और जैसे कि आपको पता ही है 3-4 दिन तक सप्लाई बाधित रही थी, काफ़ी समय तक 1-1 घंटा देनी पड़ी थी हमें, उसमें पब्लिक ने हमारा बहुत साथ दिया, पर इस समय ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं पब्लिक से और आवाम से यहाँ की प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारा इसी तरह साथ दें, जिससे कि ट्रांसफार्मर आराम से लगाया जा सके।